तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हाजिर है आप लोग के बीच एक नए और इम्पोर्टेंट सेफ्टी जॉब मॉक इंटरव्यू वीडियो को लेकर। ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस सेशन का है, जो कि कैंडिडेट के द्वारा प्रैक्टिस सेशन के द्वारा दौरान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस वीडियो को सुने और इस वीडियो से लाभ उठाए। तो सबसे पहले अपने बारे में परिचय बताइए। सर, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं बिहार से रहने वाला हूँ। गोपालगंज जिला है मेरा और मैं ग्रेजुएशन फाइनल हूँ और मेरा कोर्स अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। कब से कोर्स कर रहे हैं आप? सर, हमको हो गया चार या पाँच मंथ हो रहा है हमको। अभी आपका कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ है? नहीं, अभी कोर्स पेंडिंग में अभी हुआ नहीं है। कोर्स हमारा कम्प्लीट। क्या 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 पढ़ लिए हैं आप? सर, हम पढ़े हैं जो बेसिक होता है फंडामेंटल और हार्ट वर्क और कन्फाइंड स्पेस का अभी चैप्टर चल रहा है। पढ़ रहे हैं और रूट चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है। और फायर पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ये मॉक इंटरव्यू है, कोई जॉब के रिलेटेड नहीं है। आपको घबराना नहीं है और आपने अच्छे से इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देना है। देखिए सर, हम भी चाहते हैं आपके पास चोली सी लेके जो मेरे अंदर जो ताला है, जो मेरे अंदर जो हमको दिक्कत होती है वो आपके यहाँ हम थोड़ा इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिया, उस तरह जो मेरे अंदर डर है उसको हम बाहर निकाले। सर, आपको कॉल किया। ठीक है। और आपका क्लास हम यूट्यूब पर देखते रहते हैं ना, इसलिए आपके पास कॉल की कि थोड़ा हमको भी इंटरव्यू देना चाहिए और इसलिए आपके पास कॉल किया। यस यस, बिल्कुल आप दे दीजिएगा तभी तो आपका अंदर से जो एसिडेशन होता है वो दूर हो जाएगा। हाँ सर, एसिडेशन जो हमका एसिडेशन होता है वो दूर होगा, हमको बाहर उसको निकलना है ना, इसीलिए। तो चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस सर। तो सबसे पहले आप बताइए, आप मैकेनिकल फील्ड छोड़कर अपना इंजीनियरिंग छोड़कर सारे फील्ड आप छोड़ते हुए आप सेफ्टी फील्ड क्यों चुने? मेरा मतलब मेरे गांव में और हमको किसी के हेल्प करने में बहुत हमको अच्छा लगता है। किसी बुजुर्ग हुआ, कोई व्यक्ति हुआ, उसको हेल्प करने में अच्छा लगता है। इसीलिए हम सोचे सर कि अगर जो हम ऐसा काम करें, जैसे पढ़े भी लिखे हैं, इसलिए हम सोचे ऐसा कोई काम करें जिससे हम किसी व्यक्ति का जान बचा सकते, किसी को मदद कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, इससे कोई हमको याद करे, इसलिए सर हम सेफ्टी ऑफिसर का क्षेत्र और उसका फील्ड चुने सर। चलिए अच्छा है। तो आप ही बताइए, वर्क परमिट क्या होता है? सर, वर्क परमिट डॉक्यूमेंट होता है, रिकॉर्डेड होता है, जो किसी खास व्यक्ति द्वारा किसी खास काम के लिए, किसी खास समय के लिए वो वर्क परमिट इश्यू किया जाता है, उसे हम वर्क परमिट कहते हैं सर। ओके। इसका पर्पस क्या होता है वर्क परमिट का? सर, इसमें वर्क परमिट यही होता है कि जो पर्पस जो है, पर्पस के माने वर्क परमिट किस लिए लिया जाता है? सर, हम वर्क परमिट लेते हैं काम कराने के लिए, काम जो काम चाहिए। वो तो ठीक है, वो तो बता दिए कि वो किस लिए लिया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है? पता है? नहीं मालूम है सर। ठीक है। तो कितना टाइप्स का वर्क परमिट होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मतलब अभी मतलब तीन प्रकार का हम वर्क परमिट है, लेकिन ऐसे मिनिमम बहुत प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है सर? पहला तो हार्ड वर्क, कलर कोड रेड होता है, और कोल्ड वर्क होता है, कलर कोड आपका ब्लू होता है, और जो कन्फाइंड स्पेस होता है एंड वर्क परमिट उसका कलर कोड ग्रीन होता है सर। ठीक है। हार्ड वर्क में क्या, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है बताइएगा? हाँ सर, देखिए हार्ट वर्क का मीन कार्य करते हैं जिसमें एक निश्चय निकले, सोच निकले, लाइट निकले, उसे हम हार्ट वर्क करते, जैसे में आपका ग्रेंडिंग आ जाएगा, वेब कटिंग आ जाएगा, और ऐसा बिल्डिंग आ जाएगा सर, उसे हम हार्ट वर्क करते हैं। तो आप हार्ट वर्क का एग्जाम्पल, उसका वैलिडिटी बता सकते हैं कितना दिन तक रहता है? हाँ सर, बहुत सर बता सकते। सर, जो हार्ट वर्क होता है उसका वैलिडिटी जो होता है वो 12 से 24 घंटे के लिए होता है, और उसका जेन्युइन जो होता है जनरल मैक्सिमम आपका 8 घंटे का होता है सर। राइट।
और जो फील्ड वर्क होता है सर, इसका आपका फील्ड वर्क होता है आपका 3 से 5 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए होता है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अच्छा है। इसका कोल्ड वर्क का वैलिडिटी कितना बताएं आप? और उसको बताएं 3 घंटे के लिए और मिनिमम 5 से 6 दिन के लिए होता है। ठीक है, चलिए मैं हॉट वर्क के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप हॉट वर्क में कुछ हजार बताइए सर। हॉट वर्क में जो अगर जो कोई ग्राइंडिंग से काम करे, ग्राइंडिंग चला रहा मशीन, जो अगर जो इसमें हेलमेट लगाए, पिस्टल भी लगाए, जो उसका ले गार्ड होता है ना, अगर जो सब जाता है वो, अगर जो ग्लास पर ग्लास नहीं लगाया तो उससे उसका टूटने के बाद वो कट जाता है, उसका फेस उस पर स्क्रेच हो जाता है, कट सकता है, तो उसमें भी हजार है। उसका फिर हमारा मान लीजिए कोई ग्लव्स है और ये ग्लव्स ठीक से नहीं लगाया, ग्लव्स ऐसे लपराई तरह उंगली भी कटने का होता है, और उसमें सर बहुत होता है। और जो हम ग्राइंडिंग चला रहे हैं और जो इससे स्पार्क निकलता है तो बगल में कोई मेटल कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें आग लगने की भी चांस होती है। इसके लिए देखिए देखिए थोड़ा हॉट वर्क में आप देख लीजिएगा। ठीक है, हॉट वर्क में जैसे कि आपका वेल्डिंग का वर्क हो रही है तो आप वेल्डिंग का रिलेटेड ही बताना है आपको क्वेश्चन। ठीक है सर, बताया ना, बोल रहे हैं ना, जो हॉट वर्क होता है, जिस हॉट वर्क मान लीजिए जो ग्राइंडिंग चल रहा है उसमें जो स्पार्क जो इग्निशन बाहर निकलता है, जो लाइट बाहर निकलता है, उसके बगल में कोई मेटल वोटल कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें आग लगने की चांस होती है, वो भी एक प्रकार का आपका हजार ही है। ठीक है, और उससे नहीं, अगर जो कोई जो ग्राइंडिंग चल रहा है, जो मशीन चला रहे हैं हम लोग, अगर जो कोई इलेक्ट्रिशियन वायर गया है उससे भी हमारा एक्सीडेंट हजार हो सकता है, उससे भी हमको शॉक लग सकता है, इसलिए उसको भी हाउस कीपिंग वहाँ का, वो भी हम हाउस कीपिंग अच्छे से रखें वहाँ पर, ठीक होगा तो फिर दिक्कत होगा, वो भी एक प्रकार का हजार है सर। ठीक है, तो देख लीजिएगा भाई एक बार और देख लीजिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सर हम उसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताइए कि रिक्स और हजार में क्या अंतर? ठीक है सर, जो हजार होता है वो हजार एक वैश्विक अनियोजित घटना होता है जो हमारे कार्य स्थल पर अचानक होता है और होने के साथ कोई इंजुरी या कोई लॉस होता है उसका हम हजार कहते हैं। ठीक है, जो रिक्स होता है, जो रिक्स होता है कि जिससे हम जानते हैं कि हमको मतलब हजार का मतलब हमको पता है कि कोई भी काम है और उसमें हमको पता है कि हमको मतलब रिक्स मुझे पता है कि हजार है, उसमें हमको एक्सीडेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकता है, फिर भी हम उसको करते हैं, उस समय चांस ले करते हैं, उस समय रिक्स करते हैं। उसका हम इसी को बोल सकते हैं इंग्लिश में, कहता है हिंदी में कि रिक्स इज चांस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, आप इसी के रिलेटेड बताइए हमको, हजार कितना टाइप का होते हैं, व्हाट इज हजार बताइए। कौन कौन सा होते हैं? ठीक है, अगर कोई कोई बंदा अगर स्लिप ट्रिप कर रहा है तो वो किस चीज का वो किस चीज में आएगा? ठीक है, अगर कोई बंदा अगर मूविंग मशीनरी से किसी का हाथ कट जा रही है, पैर चिप जा रही है, उसमें फंस जा रहा है, तो ये किस चीज में आएगा? ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल हजार में आप बताइए कुछ एग्जांपल। तो देखिए बायोलॉजिकल हजार में जो होता है कि मान लीजिए अगर जो कोई उसका सारा गारा कोई भी वस्तु कोई अपडेट होता है उसमें तो बायोलॉजिकल हजार उसमें बोल रहे थे, जिसमें कोई सारा गला होता है उसमें जो भी वायरस जो भी निकलता है उसे बायोलॉजिकल हजार बोल। एनवायरमेंटल में क्या बताएं आप, एग्जांपल बताइए। एनवायरमेंटल बताएं जो अगर जो कोई वायु हवा प्रदूषण होता है जो भी वातावरण प्रदूषित उसे हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा देखने की जरूरत है। ठीक है, आप इसमें भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जानते हैं क्या? पॉलिसी तो सर बड़े हैं लेकिन थोड़ा हिंट कर रहा होगा याद है लेकिन। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं आगे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है।
तो चलिए, आप जो कन्फाइंड स्पेस बताइए, आप कन्फाइंड स्पेस क्या होती है? कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा लिमिट जगह होता है जो बहुत नेर और बहुत सीमित जगह, जो अंदर आने जाने में कठिनाई होती है, अंदर काम करने में कठिनाई, जिसमें हम लॉक ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा हो सकती है, वहाँ पर पुअर वेंटिलेशन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिशियन शॉक लग सकता है, उसको ऑक्सीजन की एक दिक्कत हो सकती है, सब कंफाइंड स्पेस का है। जैसे सर हम इसकी इंग्लिश में बता सकते हैं, कंफाइंड स्पेस इज ए लिमिटेड ए नैरो स्पेस फ्रॉम वर्क परमानेंटली नॉट ऑक्यूपेंस कर। जैसे हम बोल सकते हैं कि कंफाइंड स्पेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ आने जाने की जो भी रास्ता होती है बहुत सीमित होती है, और वहाँ पर परमानेंटली काम नहीं कर सकते। क्या क्या इसमें कुछ एग्जांपल हजार बताइए कंफाइंड स्पेस के रिलेटेड। सर कंफाइंड इसमें हजार लेकिन सर हम बता सकते हैं कि वहाँ पर लॉक हुआ ऑक्सीजन की मात्रा हो सकती है, वहाँ पर टॉक्सिक गैस हो सकता है, एक्सप्लोवेशन गैस हो सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन शॉक लग सकता है, वहाँ पर हीट एंड कूलिंग हो जाता है, उसके बाद आपका सर पुअर वेंटिलेशन हो सकता है, वहाँ पर लाइटिंग लाइन के हो सकता है। ठीक है, जो भी बात बोलिए आराम से बोलिए कि थोड़ा अगला आदमी को समझ में आए। तो इसमें कुछ इसका फोल्डिंग का रिलेटेड कुछ शेप और शेप बताइए, क्या क्या उसका, आप जब हजार आपने ढूंढ लिया तो उसका शेप और शेप प्रिकॉशन आप क्या देंगे, अब जब साइड से जाइएगा तो उसका थोड़ा रिलेटेड हमको शेप और शेप बताइए। उसका प्रिकॉशन बताए ना सर। यस सर, सब यस सबसे पहले उसका प्रिकॉशन बताइए, सेम प्रोसीजर। देखिए सर प्रिकॉशन बताए, पहले तो हमको कन्फाइंड एक्सप्रेस, जो कन्फाइंड एक्सप्रेस होता है उसकी एंट्री का परमिट हमको लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर हमको चेक द ऑक्सीजन लेवल हमको चेक करना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर गैस और टेस्टिंग शुड भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर वहाँ पर लाइफ लाइन कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर हमको इमरजेंसी फायर अलार्म भी होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे हमको एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर सेफ्टी एसिस एयर हॉर्न हो भी होना चाहिए। और वहाँ पे सर हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पर जो भी टूल बॉक्स हमको ले जाना चाहिए वो जरूरतमंद भी ले जाए, अदर टूल बॉक्स ना ले जाए, जिसका जो वहाँ पर उपयोग ना उसको ना ले जाए हम सर। ठीक है, तो और वहाँ पर बैरिकेड भी करना चाहिए हमको सर। ठीक है, और कुछ भी तो ऐड कर सकते हैं ना आप। हाँ सर ये भी हम कर सकते हैं, उसमें सर हाँ लाइट भी से कर सकते हैं, 24 घंटा हमको लाइट भी चाहिए वहाँ पर ही। अगर कितना लेवल ऑक्सीजन का डिफरेंस ही होता है कन्फाइंड स्पेस में? सर देखिए ऑक्सीजन अगर 19.5 मैक्सिमम, मिनिमम 19.5 वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 8.5 ही कर रहा है। अगर 19.5 से अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो आप क्या प्रोवाइड कीजिएगा वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में? ठीक सर वहाँ पर हम स्टाटा दे सकते हैं। है, तो ठीक है, और जो आपने हजार बताया वो ठीक बताया, और शेप और शेप में थोड़ा आप भी कुछ और ये भी ऐड ऐड कर सकते थे आप, जैसे कि आप एरिया बैरिकेड भी कर सकते थे, उसका चाइन सर रूम हम भी आपको देखते बदलना चाहिए था। और वाले सिटी भी सर इसमें कर सकते सबका हैं। जो जो बंदा है वहाँ पे कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक हाँ सर ये भी कर सकते हैं, वहाँ पर ये भी सर हम बोलते देखिए सॉरी सर हम वो भूल गए, ओनली पीपी भी हम वहाँ पर कर सकते थे फॉर बाइट, और वहाँ पर जो टेंट बंदे हैं उसको हमको ले जाना चाहिए वहाँ पे। अच्छे बताएं, कोई बात नहीं है। ओ चलिए, आप बताइए थोड़ा रिस्क असेसमेंट के बारे में, रिस्क असेसमेंट क्या होता है? सर सॉरी सर एक असेसमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी सर। रिस्क असेसमेंट नहीं पढ़े हैं? नहीं सर ठीक है, पढ़ लीजिएगा। एक्सकवेशन पढ़ रहे हैं सर, ठीक तो एक्सकवेशन है पढ़ रहे हैं सर। में आप थोड़ा कितना तरह हजार होता है, थोड़ा हजार बताइए। ठीक सर एक्सकवेशन में बहुत प्रकार के हजार होता है, और है, जो वहाँ पर जो हजार में सर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो हम एक्सकवेशन करने जा रहे हैं वहाँ पर कोई अंडरग्राउंड कोई पाइप हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन ठीक है। का हो गैस का हो, वहाँ पर जो एक्सकावेशन करते समय जो भी साइड का मिट्टी है स्क्रैप्स हो सकता है सर वहाँ पर, और वहाँ पर ब्रिकेट भी होना चाहिए, और वहाँ पर जो वर्कर हैं तो वर्कर जो वर्कर काम कर रहे हैं और स्क्रैप्स होता है वहाँ
मतलब प्रेस होता है मिट्टी, तो वर्कर बस जाएंगे उसमें, ये भी एक प्रेस कर जाते हैं। वहाँ पर पानी का, पानी का उसकी दवा भी हो सकता है, वहाँ पानी आ सकता है कंफाइंड, सॉरी एक्सकैवेशन में पानी भी आ सकता है एक बार। और सर बोलिए, अल्टरनेटिव ना अल्टरनेटिव क्या सर, जो का आप जो एक्सकैवेशन के बता रहे हैं, जो आजाद जो उसको अंडरग्राउंड अल्टरनेटिव बोलते हैं ना। हाँ शायद ठीक है, बताइए कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, और वहाँ पर जो क्रेन मूविंग करती है उसमें, जो क्रेन जो मूविंग करती है उसमें इलेक्ट्रिशियन शॉक लगने के चांस भी होता है ऊपर, जो कोई वायर वायर जाता है तो। और फिर वहाँ पर कोई एक्सकैवेशन के अंदर कोई, और ब्रेकेट हम नहीं करते, कोई एक्सकैवेशन के अंदर कोई व्यक्ति गिरने की भी चांस होती है, कोई व्यक्ति गिर जाएगा इसके एक्सकैवेशन में सर। तो आप अगर जो क्लेप्स मीटिंग ना कर जाए उसके लिए क्या दीजिएगा सर? उसके लिए हम दे सकते हैं क्लेप्स मीटिंग ना, उसके लिए हम अगर जो हम देखे तो वहाँ पर जो होता है स्टोरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव सिस्टम वहाँ पे ना अपॉइंट कीजिएगा। हाँ सर, वहाँ पर हम देखेंगे और क्या क्या प्रोटेक्टिव सिस्टम है सर, जो प्रोटेक्ट जो मीटिंग क्लेप्स ना कर जाए उसके लिए प्रोटेक्टिव जो सिस्टम है वो क्या क्या अपॉइंट कीजिएगा वहाँ पे, मतलब क्या क्या उसमें शक्ति होनी चाहिए? देखिए वहाँ पर दे सकते हैं बेंचिंग, दे सकते हैं सोरिंग, दे सकते हैं उसके बाद सील्डिंग दे सकते हैं, उसके बाद सोरिंग दे सकते हैं सर। तो वहाँ पर जो हमको लगेगा वो हम उसको दे सकते हैं सर। ठीक है, अच्छा बताएं। तो आप ये बताइए, कोई भी अगर एक्सकैवेशन मतलब कितना मतलब डीप चला जाता है तो उसकी कन्फाइंड स्पीड डिक्लेयर कर दिया जाता है सर? अगर जो 4 फीट से डीप जाता है तो कन्फाइंड स्पेस पे वो लागू होता है, कन्फाइंड स्पेस हो जाता है। और वहाँ पर हमको कन्फाइंड स्पेस के और जो एक्सकैवेशन है दोनों का हमको रूल फॉलो करना पड़ता है सर। ठीक है, आपने जो अच्छा जो अभी इसको भी अच्छी तरह से थोड़ा देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। और जो हजार्ड है और सेफ प्रोसीजर है और प्रोटेक्टिव सिस्टम तो ठीक है। और चलिए बताइए इसमें कितना तरह के एक्सकैवेशन होते हैं सर? एक्सकैवेशन सर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक जो होता है कि वर्कर के द्वारा एक्सकैवेशन किया जाता है, और एक होता है जो मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, उसको अपना डिफाइन में बताइए ना सर। इसकी हम बोल सकते हैं कि एक्सकैवेशन इज एन मैन मेड कट ऑन अर्थ। देखिए मैंने पूछा कि एक्सकैवेशन कितना तरह का होते हैं सर, मैं एक्सकैवेशन की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे कि एक्सकैवेशन आपने बताया 2 तरीका का, जैसे कि मैनुअल बताया कि मैकेनिकल बनाए बताया हाँ। तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है और मैनुअल का मतलब क्या होता है सर? देखिए जो मैनुअल का तरह होता है वो जो वर्कर एक्सकैवेशन, मतलब वो जो वर्कर होते हैं मिट्टी काटते हैं एक्सकैवेशन को खुदाई करते हैं, उसको हम सर बोल सकते हैं जो मैनुअल के द्वारा होता है। और जो मशीन जो गाढ़ा खोल जो मशीन एक्सकैवेशन करती है उसको मैकेनिकल सर बोल सकते हैं। देखिए एक्सकैवेशन 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेंच एक्सकैवेशन होते हैं, एक नॉर्मल एक्सकैवेशन होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह था, देखिए जैसे कि ट्रेंच में जो होती है वो पतली सी होती है, लंबा होती है। वो सॉरी सर, तो आपको फिक्र सर, वो तो हमको मालूम है ट्रेंच से किससे कहा रहे हैं, वो तो पता था हमको। तो नॉर्मल बताइए कितना होते हैं, क्या कितना होनी चाहिए सर? नॉर्मल होनी चाहिए जो जो 1.4 मतलब 4 फीट गाढ़ा होना चाहिए, उसका लंबाई 15 फीट होनी चाहिए नॉर्मल में। ये तो आप ट्रेंच बता रहे हैं ना, नॉर्मल पूछ रहे हैं नॉर्मल एक्सकैवेशन कितना होनी चाहिए सर? वो काम पे डिपेंड करता है ना सर, कितने का एक्सकैवेशन चाहिए तो। ठीक है सर, इसको थोड़ा देखना होगा। ठीक है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइए सेफ्टी ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सेफ्टी का होता है कि जो सेफ्टी ऑफिसर का फैसिलिटी होता है जो वहाँ पे, मतलब जो भी हजार जो भी एक्सीडेंट जो भी दुर्घटना होती है उसे सेफ्टी होती है, उसे आजादी दिलाती है, उसे रोकती है।
और वहाँ पर जो भी टूल वर्क होता है, होता है, जो भी वर्क होता है उसे सर्टिफाइड कर दिया है। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछते हैं, मतलब आप जब साइट पे जाइएगा तो आपको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा? सर हम जाए साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर हमको वर्क परमिट चेक करना होगा, उसके बाद वहाँ पर हमको पीवीटी देना होगा, उसके बाद हमको वहाँ भी चेक करना होगा, वहाँ पर जो काम चल रहा है जो वर्क परमिट में इशू हुआ है वो वही काम चल रहा है वो उनको देखना होगा, और जो भी सुरक्षा जो भी वहाँ पर जो भी वर्कर है उन लोग को भी मतलब उनको बताना होगा हमको कि पीवीटी में कि क्या काम हो रहा है, उससे क्या हजार हो सकता है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, ये सब हमको वहाँ पर बताना होगा। ठीक है, और तो कुछ ऐड कर सकते हैं ना इसमें? हाँ सर सॉरी सर कर सकते हैं सॉरी सर, अभी आप चेकलिस्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं, फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हाँ सर वो भी सर मैनेजमेंट मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे बताएं आप। और आपको प्रिपेयर करने की थोड़ा जरूरत है वो, अच्छा आशा करता हूँ कि फिर से आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर आए और एक बार और मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा सर एक बात पूछ सकते हैं? यस सर पूछिए, यस पूछिए सर। बताइए मतलब आप वितरण से क्वेश्चन कीजिए और सर ये बता सकते हैं मतलब कितना आप मतलब क्वालिफाई कर सकते, कितना क्वालिफाई आपसे अटैच किया है सर? देखिए लगभग आपने ठीक बताया, जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा अभी उसको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए आप जाइएगा तो थोड़ा पहले आपको बात समझ लेना चाहिए कि वो अगला बंदा क्या बोल रहा है। पहले इसमें आपका प्रॉब्लम यही है कि आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए, आपने जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा अच्छे जवाब दिए, बस थोड़ा प्रिपेयर बस कर लीजिए। ओके सर, बस प्रिपेयर पे ध्यान दीजिए और इंटरव्यू अच्छे से दीजिए और फिर एक बार होगी। सर वो क्या ना फर्स्ट बार दे रहे हैं तो थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है ना सर। ठीक है, वो अपने एस्पिरेशन जो होता है एस्पिरेशन उसको दूर कीजिए और हौसला बुलंद रखिए। ठीक है, ठीक है।